फोन का नाम लिखा हुआ है नीचे यहाँ पर है सैमसंग ब्रांडिंग और ये नया वाला जो पिच कलर लॉन्च हुआ है वो है ऑसम पिच पीछ। और पीछे की तरफ कुछ है, है जहां पर लिखा हुआ है विथ बैटरी। तो खोल लेता है बॉक्स को तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले यहाँ पर रखा हुआ है ये एक सेक्शन और पिछले वाले डिवाइस की तरह इसमें भी एक क्विक स्टार्ट गाइड है और एक सिम इंजेक्टर टूल लिया है नीचे यहाँ पर रखा हुआ है हमारा मेन डिवाइस तो कलर काफी मस्त लग रहा है क्योंकि कुछ नया सा है इस कलर को पहली बार सैमसंग ने लॉन्च किया है और काफी डिफरेंट सा और काफी यूनिक सा है और नीचे यहाँ पर है पिछले वाले डिवाइस की तरह ही सेम एक चार्जिंग ब्रिक यूएस बी ए पिन वाला और उसी के साथ यहाँ पर है एक यूएस बी ए टू सी वाला चार्जिंग केबल तो सबसे सब पहला हटा लेते हैं इसके ऊपर के रैपर को तो काफ़ी प्रीमियम सा कलर है काफ़ी मस्त लग रहा है और फिलहाल तो ये ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा है इसलिए ऐसा लग रहा है मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ तो ये है रियल कलर लेकिन फिर इतना कर दूंगा तो वीडियो थोड़ी सी डार्क हो जाएगी तो फोन का कलर काफ़ी मस्त है मतलब कि ये पिच कलर जो नया है वो काफ़ी मस्त है 53 में ये इससे भी ज़्यादा अच्छा लगता होगा क्योंकि रिंग उसमें भी ग्लिटरी होगी और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको थ्रीपट फोम एम चेक भी मिल जाता है इसमें और साइड में यहाँ पर है फिंगरप्रिंट सेंसर पावर ऑन ऑफ बटन में ही और कैमरा बम्प काफ़ी सॉफ्ट सा बनाया हुआ है मतलब कि वो जो 53 में ग्लास में थोड़ा सा शार्पनेस वाला था वैसा नहीं है और सिंगल प्लास्टिक मटेरियल में सही है और यहाँ पर है एक ये क्वाड कैमरा सेटअप तो सबसे पहला कैमरा है वो है अल्ट्रा वाइड के लिए फाइव मेगा का ये वाला दूसरा ये है फिफ्टी मेगा का मेन जो कि ओ है तीसरा है डेप्थ के लिए टू मेगा का और ये छोटा सा दो मेगा का मैक्रो के लिए और इसमें आपको फाइव थाउजेंड एम एच के बैटरी मिल जाती है और उसी के साथ स्नैपड्रैगन सिक्स एटी फोर जी प्रोसेसर और बाकी बात करें इसकी डिस्प्ले की तो इसमें आपको सिक्स पॉइंट सिक्स इंचज़ की एफ एच डी प्लस टी एफ टी वी कट डिस्प्ले मिलती है तो डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफ़ी मस्त होगी तो इसमें आपको दो वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं सिक्स वन ट्वेंटी एट एंड एट वन ट्वेंटी एट तो सिक्स वन ट्वेंटी एट की प्राइस है नाइनटी थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन रुपीज़ एंड एट वन ट्वेंटी एट की प्राइस है ट्वेंटी थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन रुपीज़ तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिलता है कैमरा भी काफ़ी मस्त है और फाइव थाउजेंड की बैटरी है प्लस नाइन्टी हर्ट्स की डिस्प्ले है तो मेरे हिसाब से गेमिंग में भी काफ़ी अच्छा रहेगा और कैमरा भी काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि फिफ्टी मेगा का मेन कैमरा है तो यहाँ पर मैंने इसको कर लिया है सेटअप तो कलर पेंशीनेस भी काफ़ी मस्त है ब्राइटनेस भी काफ़ी मस्त है लेकिन इसमें आया करूँगा तो फिर वही सारी चीज़ें होंगी तो इसलिए इसमें हम कम ही रखेंगे ताकि आप डिस्प्ले पर देख पाए सभी चीज़ें तो इसमें आपको नाइन्टी हड्स मिलता है तो अगर आपको वो चेक करना है तो मेरे वीडियो के सेक्शन में जाके सिक्सटी एफ पी एस पर वीडियो को कन्वर्ट कर सकते हैं और बाकी बात करें इसके एंड्रॉइड वर्जन की तो इसमें भी थर्टीन की तरह ही ट्वेल्व एंड फोर पॉइंट वन मतलब कि एंड्रॉयड ट्वेल्व एंड वन यू आई फोर पॉइंट वन यही मिलता है और बाकी बात करें इसके नोटिफिकेशन पैनल के ऑप्शंस की तो नोटिफिकेशन पैनल में आपको ये सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं तो इसमें भी आपको एक एक्स्ट्रा डीम का फीचर दिया हुआ है तो एक्स्ट्रा डीम इसलिए वर्क करता है कि अगर आप कहीं थिएटर पे या फिर कहीं ऐसी जगह पर है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और आपकी लोएस्ट ब्राइटनेस भी आपको हाई लग रही है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं मतलब कि इसको स्टार्ट करने पर फोन की ब्राइटनेस जितनी होगी उससे भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी तो एक्स्ट्रा डीम भी काफ़ी काम की चीज़ है जो कि इसमें दी हुई है काफ़ी अच्छी बात है और बाकी बात करें इसके कैमरा मोड्स की तो वो भी चेक कर लेते हैं तो कैमरा के अंदर आपको सबसे पहले पोर्ट्रेट फोटो वीडियो और मोर के अंदर आपको यहाँ पर प्रो पेनोरामा फूड नाइट मैक्रो एंड स्लो मोशन ये सारे मोड्स देखने के लिए मिलते हैं और इसी के साथ ऐड कर रहा हूँ कुछ कैमरा सैम्पल्स जो कि मैंने इसी फ़ोन के कैमरा से क्लिक किए हैं बाकी बात करें इसकी बायोमेट्रिक्स की तो इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है प्लस फेस अनलॉक का भी सपोर्ट है तो बायोमेट्रिक्स भी काफ़ी मस्त वर्क करेगा और उसी के साथ बात करें इसका बैटरी परफॉर्मेंस की तो अगर आप गेमिंग करते हैं तो एक दिन तो पूरा नहीं चल पाएगा लेकिन अगर आप गेमिंग नहीं करते हैं नॉर्मल यूज है तो एक दिन आराम से चल जाएगा और साउंड क्वालिटी भी आपको सुनाई देता हूँ स्टीरियो स्पीकर नहीं है लेकिन काफी मस्त साउंड है मतलब ये उतनी लाउड तो नहीं है लेकिन सॉफ्टनेस एंड बाज काफी मस्त था तो ये है पिच कलर ये है ब्लू तो इसको भी ओपन कर लेते हैं ये है ब्लू एंड ये है ब्लैक तो ये है तीनों कलर्स पिच ब्लैक एंड ब्लू तो तीनों ही कलर्स काफी मस्त लगता है ब्लैक थोड़ा सा ग्रेस टाइप है और ब्लू तो प्योर फिफ्टी थ्री वाला ही ब्लू है लेकिन ये पेज काफी मस्त लग रहा है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मिलता है ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ ज्वाइन डे